हे फ्रेंड्स, तो आज के रिएक्शन में बात करने वाले हैं डेव बटिस्टा की अपकमिंग फिल्म माय स्पाई द इटर्नल सिटी नाम है, मतलब दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आई थिंक 5-6 साल पहले आया था, जिसमें एक बच्ची थी और उसके साथ उसकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है, जो उसे स्पाई बनने का मतलब थोड़ा स्ट्रांग होना सिखाता है। बाद में धीरे धीरे उसकी भी अटैचमेंट उससे बढ़ जाती है। यही स्टोरी थी। अब स्टोरी में क्या नया आया है क्या नहीं, तो वो देखते हैं। शायद से वही कंटिन्यूशन, क्योंकि बच्ची तो वही दिख रही है मेरे को। तो लेट्स सी द ट्रेलर एंड रिएक्ट इट। बाय द वे रिएक्शन है, तो प्ले करते हैं। इंग्लिश में प्राइम पर रिलीज हो रही है इस बार ये फिल्म, मतलब थिएटर का मुंह नहीं देखेगी। हाँ, दे आर बैक, वो लोग बड़ी हो गई हो। शी इज़ ओल्डर, बता रहा है। अंधे लोग दिख नहीं सकते। अच्छा, वो फील्ड में आ गई। साथ में काम कर रहे हैं। पार्टनर कहाँ है? हाँ, ये रही। बेस्ट पार्ट, ओ ये भी है। ओके, उसका बॉस। चलो सही है, प्रॉपर चल रहा है। हीरोइन भी है। तो तेरी बैंड बजाएगी। ये बढ़िया था। फिर से वेटिकन में बॉम्ब लगा दिया भाई। इसके पहले कई सारी मूवीज में हुआ है। द विंची कोड फिल्म के सीक्वल में हुआ था, एंजल्स एंड डेमोन शायद। ठीक है, ठीक, घर पर बैठ के देखने ऐसी मूवी है। अच्छा, उसका बेटा है। जबरदस्ती बस। अच्छा, नहीं नहीं ओके। जुलाई, ओके, ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा। खैर, तो क्या बोल सकते हैं इसको, लाइट हार्टेड फिल्म है। जैसे कि मैंने कहा कि घर पर बैठकर देख रही ऐसी फिल्म है, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकाल करके नहीं देती। पहले पार्ट जैसी ही है, हालांकि वो टाइम पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो फिल्म जैसे तैसे करके धक्का मार कर आगे निकल गई थी। बाकी अब आपकी क्या राय बनती है इस फिल्म के सीक्वल पर, वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। क्योंकि रिएक्शन में इतना ही। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय।